गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज हम हिंदी विषय का एक टॉपिक पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का, जिसका नाम है वाच्य। वाच्य आप पहले भी पढ़ चुके हैं पहली वीडियो में, लेकिन फिर से एक बार आपका रिवीजन हो रहा है वाच्य का। वाच्य का मतलब क्या होता है? वाच्य का मतलब है किसी भी बात को कहना। किसी भी बात को कहना ही वाच्य है, यानी कथन कहना, बात को कहना। अब बात के कहने का असर किस पर पड़ेगा? ठीक है, कर्ता पर पड़ेगा, आपका कर्म पर पड़ेगा या भाव पर पड़ेगा। कहने का मतलब ये कि वाच्य की जो परिभाषा है उसका सीधा सा अर्थ है कि जब क्रिया यानी काम के करने का असर किस पर पड़ रहा है और क्रिया उसी के अनुसार बदल रही है, उसे हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। वाच्य तीन तरह के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब सवाल ये उठता है कि कहीं कहीं किताबों में आपको ये दो तरह के वाच्य मिलेंगे, एक कर्तृ और दूसरा अकर्तृ, जिसमें कर्ता क्या है लेकिन उसके साथ साथ उसमें क्या है, भाववाच्य और कर्मवाच्य, दो पार्ट में वो डिवाइड हो जाता है। जैसे हम संज्ञा पढ़ते हैं ना, संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो जातिवाचक के दो पार्ट होते हैं, इसी तरह से कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य के दो पार्ट हैं, आपका कर्मवाच्य और भाववाच्य। वैसे आपके यहाँ पर कॉमन रूप से सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि वाच्य कौन कौन से होते हैं, तो आपने लिखना है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कैसे बदलेंगे? कर्तृ में कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है और भाववाच्य में आपके इमोशन, फीलिंग प्रधान होती है। ठीक है, आपसे क्या हो सकता है, क्या नहीं हुआ है, ये सारी चीजें आप उसमें पढ़ेंगे। तो चलते हैं वाच्य पढ़ने। बेटा ये आपकी ग्रामर का दूसरा टॉपिक है, आपका पार्ट दो, और विषय है आपका वाच्य। सबसे पहले तो ये कि वाच्य होता क्या है, तो वाच्य का अर्थ पता होना चाहिए। तो वाच्य का अर्थ है कथन को कहना, यानी कि कोई भी वाक्य अगर कहा जा रहा है तो वो वाक्य किसके द्वारा कहा जा रहा है, यानी उसमें कहने वाला कौन है। इसलिए वाच्य का अर्थ क्या है? कथन कहना, यानी जो भी बात कही जा रही है, वाक्य कहा जा रहा है, वो कहना। अब क्रिया के जिस रूप से, यानी कि क्रिया जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया, क्रिया का मतलब काम को करने वाला कौन है। जैसे मैंने बताया कि वाक्य में कौन है, भाई कहने वाला होना चाहिए। अब कहने वाला कौन हो सकता है, मैं यहाँ नाम की बात नहीं कर रही हूँ, यानी कि आप जब काम करेंगे तो उसका असर ठीक है किस पर पड़ेगा। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि काम को करने वाला कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। यानी कि काम को कौन कर रहा है, भाई क्रिया का असर कर्ता पर पड़ रहा है या कर्म पर पड़ रहा है या भाव पर पड़ रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। ठीक है, अब वाच्य के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं वाच्य के? तीन भेद होते हैं। कभी कभी किताबों में आपको वाच्य के दो ही भेद मिलेंगे, एक कर्तृवाच्य, एक अकर्तृवाच्य। ठीक है, कर्तृवाच्य में कर्तृवाच्य रहेगा, अकर्तृवाच्य में आपके कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों आ जाएंगे। लेकिन आपके हिसाब से, यहाँ पर पाठ्य पुस्तक के हिसाब से, आप अपने हिसाब से यहाँ पर वाच्य के तीन भेद ही याद करें, क्योंकि वो पूछ लेता है कि कर्तृ है, कर्म है या भाव है, तो आप तीनों ही याद रखेंगे। अब वाच्य के तीन भेद है, तो वाच्य के तीन भेद में एक हो गया आपका कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? कर्तृ का मतलब कर्ता, यानी काम को करने वाला कौन है, तो जिसमें कर्ता प्रधान हो वही हमारा क्या होगा? कर्तृवाच्य होगा। कर्मवाच्य क्या होगा? जिसमें कर्म प्रधान हो, यानी काम की बात की जा रही हो। ठीक है, भाववाच्य क्या होगा? जिसमें भाव प्रधान हो, कहने का मतलब जिसमें आपको ये लगे कि इसमें इमोशन है, इसमें फीलिंग है, जैसा आप महसूस कर पाओ, जैसे आप देख तो नहीं सकते लेकिन आप उसे महसूस कर सकते हो, वो आपका किस में आ जाएगा? भाववाच्य में आ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं कि भाई कर्तृवाच्य जो होता है वो क्या होता है।
यानी मैंने बताया कि कर्तृवाचक में क्या हो, कर्ता होना चाहिए। जिस वाक्य में कर्ता, कर्ता कौन हुआ, काम को करने वाला, प्रधान हो, प्रधान का मतलब वही मुख्य हो, उसी की बात की जा रही हो, उसी के बारे में बताया जा रहा हो, या उसी को उस वाक्य में लीडर कहा गया हो, यानी वो लीडर हो उस वाक्य का, तो उसे आप क्या कहोगे, कर्तृवाच्य कहोगे। या यूं भी कह सकते हैं कि क्रिया जो है यानी काम जो हो रहा होगा वो कर्ता के अनुसार बदलेगी, यानी कि जो काम है वो कर्ता के हिसाब से हो जाएगा, जैसा कर्ता होगा उसी के हिसाब से क्रिया बदल जाएगी, उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। यानी जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो और क्रिया कर्ता के अनुसार बदले उसे क्या कहते हैं, कर्तृवाच्य कहते हैं। अब पहचान क्या होती है, कर्तृवाच्य की पहचान क्या है, कर्तृवाच्य में जब भी आप कुछ ऐसे हिंट आपको मिल जाए जिसमें ये पता चल जाए भाई हाँ ये कर्तृवाच्य है, कैसे पहचानोगे कि इसमें जो क्रिया रहेगी ना, यानी जो काम हो रहा होगा वो सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती हैं, यानी इसमें क्रियाएं जो होंगी वो सकर्मक अकर्मक दोनों हो सकती है। मैंने आपको सकर्मक और अकर्मक बता रखा है, ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आया तो फिर बताती हूँ। इसमें क्रिया क्या है हमारी, सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती हैं। हो सकती का मतलब यहाँ कंपलसरी नहीं है कि सकर्मक ही होगी, ये जरूरी नहीं है कि अकर्मक ही होगी, दोनों हो सकती हैं, सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। अब अकर्मक और सकर्मक की पहचान कैसे करोगे आप, ठीक है, तो चलिए चलते हैं कि अकर्मक सकर्मक कैसे करना है। जैसे उदाहरण दे रही हूं मैं, सीता पढ़ती है, ये उदाहरण एक, ठीक है। अब आपको ये तो पता ही होगा कि इसमें भाई सीता क्या है, काम को कौन कर रही है, सीता कर रही है, सीता क्या कर रही है, पढ़ती है, ठीक है, तो काम क्या हुआ, पढ़ना, ठीक है। तो यहां पर जो क्रिया है वो क्या हो जाएगी आपकी, पढ़ना। अब मैं इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, फिर भी आप दोबारा देख लीजिए, सीता पढ़ती है। अब हम अलग अलग कर लें, कर्ता को अलग कर लो, कर्म को अलग कर लो, क्रिया को अलग कर लो, ठीक है। तो क्रिया तो क्या हुई, वे पढ़ती है, तो पढ़ती है को यहां लिख लिया क्योंकि ये क्रिया है, काम पढ़ना, सोना, खाना, नहाना, धोना, रोना, ठीक है, पीटना, ये सारी चीजें जिसमें ना जुड़ जाए मोस्टली वो क्रियाएं हमारी क्या होती हैं, क्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। और तो ये क्रिया यहां पर आ गई, पढ़ती है। अब यहीं पे हम क्वेश्चन करेंगे भाई क्या पढ़ती है, तो क्या पढ़ती है, तो कुछ नहीं आ नहीं रहा भाई क्या पढ़ती है, ठीक है, पढ़ती कौन है, सीता, तो सीता क्या हुई हमारी, कर्ता हो गई, ठीक है, और पढ़ती है। लेकिन क्या पढ़ती है, क्या से क्वेश्चन करोगे, जब आपको क्या से क्वेश्चन करना है और उसमें कोई जवाब नहीं आए, ठीक है, और या फिर कोई निर्जीव चीज आए, निर्जीव का मतलब पेन हो गया, किताब हो, किताब एक अलग चीज है, पेन हो गया, तो वो सारी चीजें क्या है आपकी, मतलब कर्म नहीं कहलाएगा, यानी क्रिया जो है वो पढ़ती है और कर्म करता क्या हो गया, सीता, इसमें कर्म नहीं है। जहां पर कर्म नहीं पाया जाता वहां पर अकर्मक क्रिया होती है, अ का मतलब नहीं, कर्म का मतलब कर्म, उसमें कर्म नहीं है, स का मतलब साथ, कर्म का मतलब कर्म, जिसमें कर्म साथ हो वो सकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म साथ नहीं हो वो अकर्मक क्रिया, ठीक है। तो पढ़ लिया, समझ में आ गया कि सीता पढ़ती है, पढ़ती है हमारी क्रिया है, ठीक है, क्या पढ़ती है यहाँ पे नहीं बताया हुआ, कौन पढ़ती है, सीता पढ़ती है, तो कर्म नहीं है इसलिए यहाँ पर क्या होगी, अकर्मक क्रिया होगी, अतः इस वाक्य में कर्म नहीं है इसलिए यहाँ पर क्रिया अकर्मक हुई, अकर्मक मानी जाती है। अब आगे चलते हैं, एक दूसरा उदाहरण इसी का, जैसे मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देती हूँ ताकि आपको ये दोनों दिखाई दे जाए, ठीक है। अब दूसरा उदाहरण मैं पढ़ रही हूँ, जैसे हमने दूसरा उदाहरण लिया, भाई सीता पुस्तक पढ़ती है, अभी तो मैंने सेंटेंस क्या था, भाई सीता पढ़ती है, तो पढ़ती कौन है, आंसर किस पर आ रहा था, कर्ता पर आ रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कर्ता पे आने के बाद भी क्रिया क्या रही, अकर्मक रही। अब यहाँ पर है कि सीता पुस्तक पढ़ती है, अब इसमें हमने क्या बनाना है कि क्रिया को ढूंढना है कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है, तो फिर वैसे ही आप तीन पार्ट में डिवाइड करो इसको, कर्ता लिखो, कर्म लिखो और क्रिया लिखो, तो क्रिया क्या थी, पढ़ती है, ठीक है, क्या पढ़ती है, पुस्तक, पुस्तक कौन पढ़ती है, सीता, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था भाई आपका उद्देश्य और विधेय, ठीक है, उद्देश्य कौन होता है, जो काम को कर रहा है, ठीक है, विधेय कौन होता है, जो उसने काम किया, तो आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स जब निकालते हैं तो ठीक वैसे ही यहां पर आ जाता है, सीता क्या करती है, पुस्तक पढ़ती है, पढ़ती क्या है, पुस्तक, तो हमारे पास यहाँ पे देखिएगा कर्म भी है,
ठीक है, यहां पर क्या था, कर्म नहीं था, कर्म नहीं था तो क्रिया क्या हुई, अकर्मक, और कर्म है तो क्रिया क्या हुई, सकर्मक। ठीक है, समझ में आ गया, अकर्मक और सकर्मक। अब आगे चलते हैं, इस वाक्य में कर्म है इसलिए क्रिया यहां पर क्या होगी, सकर्मक होगी। अब वो कहता है पहचान क्या है, किसकी पहचान की बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कर्तृवाच्य की पहचान की बात। क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार बदलेगी, लिंग का मतलब वहां पर स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, क्रिया भी उसी हिसाब से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हो जाएगी, यानी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार बदलती है, अर्थात क्रिया स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का पता कर्ता के अनुसार चलता है कि काम को कौन कर रहा है, ही कर रही है या सी कर रहा है, उसके हिसाब से ही क्रिया बदल जाती है। अब देखते हैं उदाहरण, चलिए अब देखिए यहां पर एक उदाहरण दे रहे हैं, सीता पत्र लिखती है, मैं उसी सेंटेंस को ले रही हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ही ना रहे, सीता पत्र लिखती है, तो आपको ये तो पता है ये क्रिया है, आपको ये भी पता है ये कर्ता है, ये क्या हुआ, हमारा कर्म हुआ, लेकिन फिर भी हमें क्या बताना है, अभी हमने अभी पहचान क्या पढ़ी है, हमने पढ़ी है कि क्रिया जो है वो कर्ता के लिंग के अनुसार बदलेगी, यानी जैसा कर्ता होगा उसी हिसाब से क्रिया बदलेगी। जैसे यहां पर क्रिया स्त्रीलिंग है, ठीक है, स्त्रीलिंग का मतलब सीता जो है वो स्त्रीलिंग है, ठीक है, क्योंकि कर्ता क्या है यहां पर, स्त्रीलिंग, तो इसलिए क्रिया क्या हुई, लिखती है, ठीक है, यानी क्रिया जो है ये वाली क्रिया जो है ये सीता के हिसाब से बदलती है। मैंने ये तो नहीं लिख सकते आप यहाँ पे सीता पत्र लिखता है, नहीं लिख सकते, क्योंकि आप क्या करना है, सीता के अनुसार क्रिया को बदलना है, ठीक है, यानी क्रिया जो है ये जो क्रिया है ये कर्ता के अनुसार बदलती है। ठीक, समझ में आया कि यहां पर क्रिया स्त्रीलिंग है इसलिए क्योंकि कर्ता हमारा स्त्रीलिंग है, तो यानी कि क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार बदलती है इसलिए उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्ता के अनुसार बदलेगी तो कर्तृवाच्य, कर्म के अनुसार बदलेगी तो कर्मवाच्य, और भाव के अनुसार बदलेगी तो भाववाच्य। क्या बदलेगी, क्रिया, यानी क्रिया कैसे बदलती है, उसका असर कर्ता के अनुसार पड़ रहा है, कर्म के अनुसार पड़ रहा है, या आपका भाव के हिसाब से पड़ रहा है, उसी हिसाब से आपका क्या बनेगा, वाच्य बनेगा। कहने वाला कौन है, लिखने वाला कौन है, सीता, उसने ये नहीं पूछा क्या लिख रही है, लिखने वाला कौन है, सीता, तो पत्र लिखती है आएगा। ठीक है, अब देखिए मैं यहां पर लिंग चेंज कर देती हूँ, ठीक है, अगला मैंने सेंटेंस लिख दिया कि यहां पर राम पत्र लिखता है, सेम वही सेंटेंस लिखा है, सीता पत्र लिखती है, मैंने यहाँ पे लिख दिया राम पत्र लिखता है। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर पुल्लिंग कर दिया, यानी कि मैंने इस सीता की जगह क्या लिख दिया, राम लिख दिया। अब सीता स्त्रीलिंग थी, राम पुल्लिंग है, तो राम पुल्लिंग हो गया तो क्रिया भी पुल्लिंग हो गई। ठीक है, पत्र पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राम जो क्रिया का फर्क जो है वो कर्ता के हिसाब से पड़ रहा है, यानी क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार बदल रही है, पर सीता लिखती है, राम लिखता है, राम लिखती है नहीं कर सकते आप, क्रिया कर्ता के अनुसार बदलेगी, अर्थात कर्म कर्तृवाच्य जो होगा उसमें ऐसा ही है कि क्रिया कर्ता के अनुसार बदले, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। ठीक है, और ये कैसी हो सकती है, ये सकर्मक भी हो सकती है और ये अकर्मक भी हो सकती है, अतः कर्ता के अनुसार क्रिया में जो है बदलाव आया है। अब और तीसरी पहचान क्या है, पहली पहचान तो क्या थी, भाई उसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है, दूसरी पहचान क्या थी, क्रिया जो है वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के हिसाब से बदलती है। अब तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरी पहचान क्या कहती है, तीसरी पहचान ये कहती है कि सॉरी ये जो आपका कर्तृवाच्य है, ठीक है, ये जो आपका कर्तृवाच्य है इसमें कर्ता अपनी विभक्ति ने के साथ भी हो सकता है और उसके बिना भी हो सकता है, यानी आपने पढ़ा होगा कारक, कारक पढ़ा है तो हमने क्या पढ़ा है, कर्ता ने कर्म को, ऐसे पढ़ते हैं ना, तो ऐसे ही यहाँ पर कर्तृवाच्य जो है उसकी कर्ता की जो विभक्ति है वो क्या होती है, ने होती है, यानी कर्ता के साथ हम कौन सी विभक्ति लगाते हैं, ने विभक्ति लगाते हैं, लेकिन ये कह रहा है इस सेंटेंस में
कि कर्तृवाच्य में कर्ता विभक्ति के साथ भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता। ठीक है, कैसे आएगा उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है आपका कि राम पत्र लिखता है। ठीक है, राम पत्र लिखता है। अब यहां पर कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं है, यानी यहां पर मैंने क्या नहीं लगाया हुआ, ने नहीं लगाया हुआ। तो यहां पर क्या है, कर्ता ने के बिना आया है। बिना का मतलब रहित, यानी यहां पर कर्ता कैसा आया है, ने से रहित आया है। कब, कर्तृवाच्य में। कर्तृवाच्य में कभी कभी कर्ता विदाउट ने के भी आ सकता है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि ने होगा तो ही वो होगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी नहीं भी आता, यानी कि यहाँ पर खाली शून्य होता है, ने का प्रयोग नहीं होता, वो अपनी विभक्ति का प्रयोग नहीं करता। और कभी कभी होता भी है, जैसे राम ने पत्र लिखा। ठीक है, अब यहां पर कर्ता के साथ ने का प्रयोग हो रहा है, यानी कि जो हमारा कर्तृवाच्य है उसमें कर्ता अपनी विभक्ति के साथ भी हो सकता है और उसके बिना भी हो सकता है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब चौथी पहचान क्या कहती है, यानी इसके कुछ नियम हैं, कुछ रूल हैं जो आपको याद रखने हैं। चौथी पहचान क्या कहती है कि कभी कभी ने विभक्ति कर्ता में ही समाहित होती है, यानी कि ने जो है वो कर्ता के साथ अटैच होता है, हमें महसूस ही नहीं होता कि यहाँ ने लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। तो कभी कभी कर्ता विभक्ति के साथ ही जो है अपनी, कर्ता जो है अपनी विभक्ति को अपने साथ ही जोड़े रखता है। कैसे जोड़े रखता है, अब देखिए, मैं के साथ यदि आप ने जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, मैंने। ठीक है, उनके, उनमें आप ने जोड़ोगे तो क्या बनेगा, उन्होंने। उस के साथ ने जोड़ोगे तो क्या बनेगा, उसने। हम के साथ ने जोड़ोगे तो क्या बनेगा, हमने। अब यहां पर देखिए, ये दोनों अटैच हैं लेकिन ने लगा हुआ है, ये दोनों अटैच हैं लेकिन इसमें ने लगा हुआ है, यहां पर भी ने अटैच है, यहां पर भी ने अटैच है, यानी कि ने इसमें जुड़ा हुआ है। तो वही चीज यहां पर कह रहा है कि कभी कभी कर्ता जो है वो विभक्ति में ही समाहित होता है, यानी कि जो विभक्ति है उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। आप कई बार क्या कहते, मैं कहती बेटा मैंने पाठ पढ़ा। ठीक है, तो आप कहोगे मैडम ने तो अलग से लिखा ही नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है, ने इसमें ही अटैच है। तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है, उन्होंने, उसने, हमने, तो भी आपको ध्यान रखना है कि वो भी आपका क्या होगा, कर्तृवाच्य होगा। क्यों, क्योंकि इसमें ने जुड़ा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा लेकिन फिर भी ये जुड़ा हुआ है। समझ में आ गया। और अब पांचवी पहचान, ठीक है, रूल अपने सारे याद रखना। पांचवी पहचान क्या कहती है कि कर्तृवाच्य पहचानते समय क्रिया के साथ कौन और किसे लगाकर प्रश्न बना लो। क्या बनाना है हमें, कौन और किसने। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन और किसने प्रश्न बनता है कि नहीं बनता। अब क्वेश्चन आ रहा है आपके पास कि भाई पहचान में जैसे मैंने उदाहरण दिया कि राम पत्र लिखता है। ठीक है, तो मैं क्या बता रही थी अभी, क्रिया के साथ क्या लगा लो, कौन और किसने। तो यहां पर लिखता है, लिखता है के साथ क्या जुड़ेगा, कौन लिखता है, किसने लिखता है तो नहीं आएगा ना, क्या आएगा यहाँ पर, कौन लिखता है। ये क्रिया है हमारी, इस क्रिया को के बाद हमने क्वेश्चन क्या बनाना है, कौन लिखता है। तो आंसर यहाँ पर क्या आएगा, राम, और राम क्या है हमारा, कर्ता। तो इसलिए यहाँ पर असर किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर। क्रिया का असर किस पे पड़ रहा है, कर्ता पर। तो कर्ता पर जब पड़ेगा तो उसे कर्तृवाच्य ही कहेंगे। समझ में आ गया कि हम क्रिया के साथ क्या लगा लें, कौन और किसने लगा लें, और जब क्रिया का असर जिस पर भी पड़ेगा वो वैसा ही वाच्य होगा। कर्ता पे पड़ेगा तो कर्तृवाच्य, कर्म पर पड़ेगा तो कर्मवाच्य। अब यहां पर दूसरा उदाहरण, राम ने पत्र लिखा। अब देखिए यहां पर विभक्ति नहीं थी, यहां पर विभक्ति भी दे रखी है, तो विभक्ति दे रखी है, आपको पता है कि कर्ता के साथ ने होता है, आप ऐसे भी पहचान सकते हो, जहां पर ने लगा हुआ है वो आपका कर्तृवाच्य है। लेकिन फिर भी हम ऐसा क्यों करें, हम सवाल निकाल के देखते हैं। ठीक है, राम ने पत्र लिखा। ठीक है, तो राम ने पत्र लिखा, लिखा किसने, अब लिखा कौन थोड़ी होगा, क्या होगा, किसने, यानी हम इन दोनों में से एक लगा के देखना है। तो पत्र, राम ने पत्र लिखा, किसने लिखा, तो किसने लिखा, आंसर क्या आ रहा है, राम ने। जब राम ने आ जाएगा तो राम क्या हो गया, कर्ता, और कर्ता के साथ हमारी विभक्ति भी लगी हुई है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, कर्तृवाच्य कहेंगे।
हाँ जी बेटा, तो इसे क्या कहेंगे हम? कर्तृवाच्य कहेंगे। तो कर्तृवाच्य समझ में आ गया, ठीक है। हम फिर से इसके नियमों को देखते हैं। नंबर वन नियम क्या कहता है? हाँ जी, पहली पहचान, नियम नंबर वन कहता है कि इसमें क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अकर्मक और सकर्मक कैसे पहचानोगे? जब आप इसको डिवाइड कर दोगे, ठीक है। फिर दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम ये कहता है कि क्रिया जो है वो कर्ता के लिंग के अनुसार बदलेगी, यानी स्त्रीलिंग होगा तो स्त्रीलिंग क्रिया होगी, पुल्लिंग होगा तो पुल्लिंग क्रिया होगी। तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम कहता है कि कर्तृवाच्य में कर्ता जो है वो अपनी विभक्ति के साथ भी आ सकता है और उसके बिना भी आ सकता है, जैसे हमने ये दोनों सेंटेंस देखे, ठीक है। चौथा नियम क्या कहता है कि कभी कभी ने जो है विभक्ति जो होती है वो कर्ता में ही मिली हुई होती है, यानी समाहित का मतलब होता है उसमें ही मिली हुई होती है, जैसे मैंने, उन्होंने, उसने, हमने, ठीक है, मैंने जोड़ के दिखाया आपको, जुड़ी हुई है उसमें। और पांचवा नियम हमारा क्या कहता है? कर्तृवाच्य पहचानते समय क्रिया के साथ क्या लगा लो, कौन और किसने लगा लो। अगर आंसर कर्ता आए या कर्ता पर पड़े असर, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा कर्तृवाच्य हो जाएगा। और फिर दूसरी बात है, पहचान भी तो क्या है, कर्ता के साथ क्या लगा हुआ होता है? कर्तृवाच्य में ने लगा हुआ होता है। फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो आप क्रिया के साथ क्या लगा लो, कौन और किसने लगा दो। अगर आंसर कर्ता आता है तो कर्तृवाच्य ही होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये कर्तृवाच्य वाला टॉपिक समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका दूसरा कौन सा वाच्य, कर्म वाच्य। तब तक आप इसको ध्यान से पढ़ें और अच्छे से रिवीजन करें। धन्यवाद।